गांव से फोन आया मेरे यहाँ भागवत कर दो। तो उसने मना किया, भाई मेरा जो घर में गोपाल जी रखे उनका मैं डेली भोग लगाता हूँ, उनका भोग कौन लगाएगा। उसका एक छोटा बेटा था 7 साल का, उसका नाम रघुवर था। तो गांव वालों ने बहुत जिद की, भाई तुमने भागवत करनी पड़ेगी। तो रघुवर से कहता है, बेटा मैंने भोग का थाल सजा दिया, आप भोग लगा देना। तो रघुवर ने चौका थाल उठाया और प्रभु जी के आगे रख दिया, प्रभु भोग लगाओ। उसे क्या पता कि भी वो ऐसा कैसा भोग रखा रहता है। एक बार देखा, दो बार देखा, दोपहर हो गई, जोर जोर से रोना लगा, प्रभु भोग लगाओ, मेरे प्रभु भोग लगाओ आओ। तो भगवान जी छोटा सा रूप लेके बाहर आए और सारी थाली का खाना खा लिया, भोग खा लिया। तो रात को ब्राह्मण आया, बेटा रघुवर वो भोग लगा दिया। हाँ पिताजी लाओ खाना, मैं भी खा लेता हूँ, मैं भी पा लेता हूँ। कहते पिताजी प्रभु जी तो सारा भोग खा गए। अब वो कहे, ये तो बच्चा है, इसने खा लिया होगा, कोई नहीं झूठ बोल रहा है। कहता अगले दिन पर उसने वैसा ही किया, बेटा मैंने भोग का थाल सजा दिया, प्रभु को भोग लगा देना। अब प्रभु जी आए छोटे से बच्चे के रूप में, फिर भोग पा लिया। ऐसे करते करते 6-7 दिन हो गए। अब ब्राह्मण बड़ा परेशान, एक दिन सोचा ब्राह्मण ने मैं इसको छुप के देखूंगा। लड्डू का थाल सजा दिया और भगवान जी बोले, बेटा भोग लगा देना। अब लड्डू का थाल उठाया रघुवर ने और प्रभु जी के आगे रखा। प्रभु जी छोटा सा बच्चे का रूप लेके ही आ रहे थे, आए एक लड्डू हाथ में था, दूसरा लड्डू जैसे ही खाने लगे तो जो है पंडित सामने आ गया और प्रभु जी भगवान जी जैसे लड्डू खाने लगे हाथ वहीं का वहीं रह गया। एक हाथ में लड्डू और एक हाथ ऐसे रखते प्रभु जी, वो जैसे ही खाने लगे तो वहीं की वहीं रह गया। तो ब्राह्मण उनके पैरों में पड़ता, प्रभु आप ऐसे दर्शन देते हो, आप मेरे छोटे से बच्चे की भक्ति से इतना प्रसन्न हो। और भगवान वहीं की वहीं शीतल रह गए, उसी रूप में रह गए। और ब्राह्मण ने उसको इतना प्रणाम किया, अपने बच्चे को बहुत शाबाशी दी। कहते सच्चे मन से अगर भक्ति करो तो भगवान जरूर हंसते हैं, इसलिए हमारे ठाकुर जी का लड्डू गोपाल नाम पड़ा। बोल बांके बिहारी लाल की जय।